माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ना फ्रेंड्स, ये छोटा सा हमारा बेंटो केक बनने वाला है। काफ़ी सिंपल सा केक है बर्थडे के लिए। तो ये मुझे क्लाइंट ने दिया था, तो ये भी उन्हें बहुत जल्दी ऑर्डर चाहिए था, लेकिन ये भी मेरे परमानेंट क्लाइंट है तो इन्हें मुझे देना ही पड़ा। क्योंकि केक का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल था और उन्होंने मुझे पिक्चर दी थी कि कैसा मुझे डिज़ाइन चाहिए, तो पिक्चर भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बाकी यहाँ पर जो केक है ना, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेक किया है, लेकिन जो इसकी परफेक्ट आपकी जो मेजरमेंट है केक की, कितनी मैंने ली है प्रीमिक्स की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप उसके हिसाब से जो है इस केक को बना सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा और चाहिए था, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैंने सोचा मुझे दो बार बेक करना पड़ेगा, तो मैं एक ही कंटेनर में क्या है ना बेक कर लूँ, और दो बार इसे जो है अलग अलग करके, जैसे मुझे केक को आइसिंग करनी है वैसे मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर एक केक की मैंने 3 स्लाइसेस कट कर ली इस तरीके से, और बाकी ये जो बचा है ना इसकी मैं रख लूँगी और इसे जो है बाद में मैं यूज़ कर लूँगी जो मुझे पर्सनली केक चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे ये 3 स्लाइसेस हमने अच्छे से कट कर ली, पूरी मेजरमेंट मैं आपको दे दूँगी कि कौन सा मैंने केक टिन यूज़ किया है एंड कितना मैंने प्रीमिक्स यूज़ किया है। और जैसे इसकी आइसिंग करते हैं वैसे हम यहाँ पे आइसिंग करेंगे। केक हमारा सिंपल जो है वो वैनिला फ्लेवर का ही कवर होने वाला है, और साथ में आउटर जो इसकी कवर है केक की, उसे जो है हम पर्पल कलर के साथ कवर करेंगे। तो क्रीम हमें जितनी ज़रूरत है हम उसके हिसाब से लगाएंगे। क्रीम की कोई भी डिमांड नहीं थी कि कस्टमर को ज़्यादा कम क्रीम चाहिए। और जैसे कि मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम आप अपने फेस वाली वीडियो भी बनाओ, तो मैं कोशिश करूँगी बनाने की। बाकी सब जितनी आपकी रिक्वेस्ट आई हैं, जितनी मैंने कोशिश है मेरी, मैंने सबके रिप्लाई दिए हैं जो भी आप सबके डाउट्स हैं। बाकी जो डाउट्स हैं वो जैसे जैसे मुझे केक के ऑर्डर्स आते जाएंगे मैं उस सारी वीडियोज़ में आप सबके साथ एक्सप्लेन करूँगी। और जो फॉन्डेंट है, जैसे कि कहा मैम हमारे घर में एसी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर एसी नहीं है तो टाइलोस पाउडर जो है उसका यूज़ कीजिए आप। वो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर होता है फ्रेंड्स, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसे थोड़ा सा मिक्स करके फॉन्डेंट को अच्छे से नीट कीजिए, उसके बाद जो है उसे यूज़ कीजिए। और हमेशा डस्ट जो है आपको कॉर्नफ्लावर के साथ ही करनी है, टाइलोस पाउडर के साथ नहीं करनी है। टाइलोस पाउडर जो है एक बाइंडिंग प्रोसेस है कि जो हमारा फॉन्डेंट है ना उसे अच्छे से टाइट रखता है, लूज़ नहीं होने देता, उस पर कोई भी मॉइस्चर नहीं जाने देता, तो ये सारी चीज़ों की वजह से होता है। और मैं हमेशा ही पहले फॉन्डेंट की जितनी भी डिज़ाइन से कटआउट से सारे बना के रख लेती हूँ, जैसे 2-3 घंटे पहले, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और केक की जो बैक साइड होती ना, जो बोर्ड होता है उस पर मैं रख के हमेशा उसे ड्राई करती हूँ, जैसा कि मैंने आप सबको हर बार दिखाया है अपनी सारी वीडियोज़ में। और जो केक बैटर है जिससे मैं बनाती हूँ, केक बैटर को मैं सिंपल जो स्पैचुला होता है उसके साथ ही मैं उसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। मैं बीटर का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपने नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी दिखाया भी है कि मैं किस तरीके से बैटर को मिक्स करती हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको दिखा दूँगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिन्हें भी जो भी डाउट्स हैं और जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, शायद उन्होंने पहले की वीडियोज़ ना देखी हो, तो मैं आपको इसके लिए भी एक अलग से वीडियो दिखा दूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब मैं बेकिंग करूँगी तब मैं आपको खा दूंगी। और बाकी और सब के जितने भी कमेंट्स हैं, जितनी कोशिश होगी रिप्लाई दूंगी कमेंट्स के थ्रू, और जितनी कोशिश होगी मैं वीडियो के थ्रू रिप्लाई दूंगी। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए जो आपके घर के पास नहीं मिलता है, जहाँ पे भी आप रहते हो, भले वो प्रीमिक्स हो, स्क्रैपर हो, या कोई भी चीज़ हो, तो अमेज़ॉन सबसे अच्छा बेकिंग के जितने इक्विपमेंट्स हैं ना, आप सारे अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो। क्योंकि अमेज़ॉन में मैं भी बहुत सारी शॉपिंग करती हूँ, और जितने भी केक की जितनी एक्सेसरीज़ है ना, सारी की सारी बहुत अच्छी मिलती है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे, और क्वालिटी सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो आप अमेज़ॉन से एक बार ट्राई कीजिए, वहाँ से आप मंगवाइए, स्क्रैपर हो, चाहे टर्न टेबल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और जैसे प्रीमिक्स आपके वहाँ पे फिलिसबेरी का यूज़ होता है, कोई और नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन से एक बार ज़रूर मंगवाइए। आप किसी और साइट से भी मंगवा सकते हो, लेकिन आप चाहो तो अमेज़ॉन से मंगवा सकते हो, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। जितने प्रीमिक्स है हर एक वैरायटी का प्रीमिक्स आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से एक बार ज़रूर परचेज़ कीजिए। और अगर कोई भी दिक्कत होती है ऐसे प्रीमिक्स से, अगर आपके मार्केट में मिल जाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो आप वहाँ से ले सकते हो। बाकी केक के साइड पे भी हमने पूरी क्रीम को अच्छे से लगा दिया, सैपर के साथ जो है हम अच्छे से इसे क्लीन कर लेंगे, जो भी अनइवन पार्ट है उसे भी अच्छे से एक बार फिर से हम क्लीन कर लेंगे। और इस केक को जो है
मुझे केक को देने नहीं जाना था, केक खुद जो कस्टमर है वो लेने आने वाले थे। सिंपल सा केक है, लेकिन फिर भी ऐसे छोटे केक जो है ना मुझसे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगते हैं मुझे बनाने में, क्योंकि दिखने में तो ये काफ़ी सिंपल होते हैं लेकिन अगर ये अच्छे से ना बने ना तो केक ख़राब भी बहुत लगते हैं दिखने में। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे बनाने की। और ये जैसा कि अर्जेंट ऑर्डर था, मतलब 4-5 घंटे पहले ही मुझे मिला था ऑर्डर और उस दिन ऑलरेडी ही मेरा ऑर्डर था, तो ये सारी चीज़ें जो है उस तरीके से मैंने फिर मैनेज की। मैंने थोड़ा सा टाइम लिया उनसे और उसके बाद जो है बेकिंग वगैरह की। हालांकि केक बहुत छोटा था लेकिन बेकिंग में टाइम लगता है, और ऑलरेडी आपका दिन अगर पूरा केक के ऑर्डर्स के साथ फुल हो और अचानक से कोई केक का ऑर्डर आ जाए तो केक छोटा हो या बड़ा हो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मैंने डिज़ाइन देखा और परमानेंट क्लाइंट थे मेरे, उन्हें चाहिए था तो मैंने उन्हें दे दिया। तो इस तरीके से पूरी हमने आइसिंग लगा दी केक के आउटर सरफेस पे, टॉप सरफेस को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे यहाँ पे। और ये जो पर्पल कलर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पिक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी ना वो थोड़ा सा डार्क होगा, डार्क थोड़ी लाइटिंग की वजह से हो जाता है या फिर जब हम एडिटिंग करते हैं ना उसकी वजह से लाइट कलर हमेशा डार्क डार्क या लाइट कुछ इस तरीके से भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो पर्पल कलर है वो जैसा पर्पल होना चाहिए लेवेंडर कलर, उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पर किया है। आपके वहाँ पे जो भी कलर अवेलेबल है जिस भी ब्रांड के आप वो सारे यूज़ कर सकते हो। मेरे यहाँ पे जो अवेलेबल्स होते हैं मैं वो सारे यूज़ करती हूँ। बस जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आप खरीदिए। तो इस तरीके से पूरी आइसिंग होगी और इसे जो है मैंने इस तरीके से शिफ्ट कर दिया बेंटो बॉक्स पे। साथ में मैंने वुडन स्टिक के साथ जो डिज़ाइन था ना फ़ोटो को देख देख के इस तरीके से मैंने बना लिया था। तो ये देखें, ये थी फ़ोटो जो मुझे क्लाइंट ने दी थी, काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन था। तो इसे देख देख कर मैंने इस तरीके से जूम कर करके इसके ऊपर टूथपिक के साथ डिज़ाइन बना लिया, और जैसा यहाँ पे पिक्चर है वैसे ही मैं करूँगी। और एग्जैक्टली आपको भी सेम ऐसे ही करना है, जब भी कभी बड़े छोटे जो भी ऑर्डर्स बनाते हों कस्टमर ने रेफरेंस पिक्चर दी होती है तो आप इस तरीके से जूम करके रखिए, हर एक डिज़ाइन को देखिए अच्छे से और उसे ट्राई कीजिए बनाने का, इसी तरीके से आपसे बन जाएंगे। तो पहले मैंने यहाँ पे वाइट जो पाइपिंग बैग है इस पर मैंने वाइट कलर की क्रीम डाल दी थी, और क्रीम को जो था ना फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा था, ठीक है। हमें ज़्यादा भी स्टिफ़ नहीं रखना है क्योंकि इसे जो है हमें अच्छे से कवर करना है। अगर हम क्रीम को ज़्यादा स्टिफ़ रखेंगे ना तो ये ईजिली जो है अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, जो भी हम यहाँ पे डिज़ाइन बना रहे हैं ये कार्टून वाला, तो इसे हमें थोड़ा सा लूज़ रखना है। मतलब अगर आप 100% क्रीम को बीट करते हो ना तो 95% क्रीम को बीट रखे या फिर 10% 5% क्रीम को लूज़ रखे, आपको इस तरीके से केक की जो क्रीम है उसकी कंसिस्टेंसी को रखना पड़ेगा। तो बाकी इस तरीके से हम पूरे जो ये कार्टून हमने बनाया ना इसे हम फिल कर देंगे अच्छे से। तो ज़्यादा नहीं था, बड़ा कार्टून नहीं था, छोटा कार्टून था, तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें करेंगे। स्लोली करना है, अगर आप चाहो तो पाइपिंग बैग जो आगे से आप कट करोगे ना उसे ज़्यादा मोटा मत कट कीजिएगा, छोटा ही आपको कट करना है ताकि जो क्रीम है अच्छे से निकले। ज़्यादा मोटा कट करने से क्या होता है ना, क्रीम बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होके निकलती है पाइपिंग बैग से। तो यहाँ पे मेरे पास छोटी वाली पैलेट नाइफ थी, इसके साथ हम जेंटली जो है क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो इस तरीके से ही आपको करना है ताकि थोड़ा सा नीट वर्क भी दिखे और एकदम इवन हो चारों तरफ से, जैसे हमारे पास पिक्चर है ना बिल्कुल वैसे ही हो। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्लोली स्लोली से करूँगी, और थोड़ा सा सेट होने का भी टाइम देना है हमें केक को अच्छे से कम 1/2 घंटे तक इसे मैं फ्रिज में रखूँ ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर मेरे पास पाइपिंग बैग में क्रीम थी थोड़ी सी, ब्लैक कलर मैंने इसमें यूज़ कर लिया। तो ब्लैक कलर के साथ जितनी भी इसकी आउटलाइन है ये सारी की सारी मैं यहाँ पे बनाऊँगी। और आप सेम डिज़ाइन चाहो तो बड़े केक पे भी बना सकते हो, फ्लैट वाले पे, या फिर ऐसे बेंटो केक्स पे तो आप बना सकते हो। और बेंटो केक्स में ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जो नेट पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और ये मैंने आगे जितने भी बेंटो केक इस तरीके के कार्टून वाले डिज़ाइंस पे बनाए ना ये सारे मुझे सेम ही क्लाइंट ने दिए हैं। मैंने आगे भी जितने छोटे वाले बेंटो केक्स बनाए हैं ना कार्टून वाले इस तरीके से, वो भी मुझे इसी क्लाइंट ने दिए थे। तो वो जब भी मुझे ऐसे बेंटो केक्स के ऑर्डर्स देती है ना हमेशा ऐसे ही देती हैं और ऐसे ही कार्टून्स बनवाती हैं, शायद उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है या फिर जिन्हें भी वो प्रेजेंट करती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो यही एक रीज़न होगा हो सकता है। तो इसलिए वो हमेशा मुझे यही देती हैं और हमेशा बेंटो केक का ही मोस्टली ऑर्डर देती हैं। तो इस तरीके से जो था पूरी आउटलाइन मैंने कर ली, फ़ोटो में देखते जा रही थी, बस हमारी आउटलाइन जो थी ये बन गई थी। और उसके बाद आइज़ बनाएंगे और फेस जो है जो कार्टून हमने बनाया है उसका हम यहाँ पे बनाएंगे। और बॉक्स में ही मैंने बटर पेपर रख दिया था, बटर पेपर रख के इस तरीके से जो मैंने केक था उसे शिफ्ट कर दिया। तो मैंने आपको आगे भी दिखाया अपनी वीडियोज़ पर कि किस तरीके से मैं क्रीम को शिफ्ट केक को शिफ्ट करती हूँ बेंटो बॉक्स पे। तो ये मेरे पास रेनबो वाले ना स्प्रिंकल्स थे,
वर्मीसिली वाले, तो इसे हम इस तरीके से केक की बॉर्डर्स पे लगा देंगे जिस तरीके से केक की पिक्चर पे है, सारे हम लगाएंगे कलरफुल इस तरीके से। और ये मैंने कुछ 100-150 कुछ इस तरीके से ही परचेज़ किए थे, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप चाहो तो अमेज़ॉन से इसे भी ख़रीद सकते हो, इतना ही दाम होता है, 180, 170, 150 तक इसका प्राइस होगा। आप सेम चीज़ को वहाँ से भी बाई कर सकते हो, काफ़ी इजी है। इस तरीके से केक पे हम चारों तरफ से इसे स्प्रेड कर देंगे। और इस केक का जो प्राइस है ना फ्रेंड्स, मैंने ज़्यादा नहीं लिया, इस केक का प्राइस मैंने सिर्फ 200 लिया है, जो केक का डिज़ाइन था, सारी चीज़ें थी और अर्जेंट ऑर्डर था, उसके हिसाब से मैंने 200 लिया इस बेंटो केक का प्राइस। बाकी सबकी अपनी अपनी जगह पे अलग अलग प्राइजेज़ हैं बेंटो केक के। तो आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, सिंपल सा डिज़ाइन था लेकिन केक जो था काफ़ी अच्छा लगा, क्यूट सा केक था। तो ऐसे अगर डिज़ाइंस आप सबको अच्छे लगे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर्स हैं वो भी ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट और ढेर सारा प्यार करते रहिएगा, ऐसे ही मोटिवेट करते रहिएगा। दिल से शुक्रिया मुझे इतनी सारी दुआएं देने के लिए, मेरे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड एंड मेरे बिजनेस से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड आप सब जितना मुझे प्यार दे रहे हो ना, बस ऐसे ही कनेक्टेड रहेगा। बहुत अच्छी स्ट्रांग फीलिंग्स आ रही है आप सबके साथ इतने अच्छे कनेक्टेड होके, और डेली वीडियोज़ आप सबके लिए लेके आओ पूरी कोशिश रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।